Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are reading our next chapter, The Guard of the Only World, written by Amitav Ghosh, about his friend Agha Shahid Ali, a very famous Kashmiri poet. And most importantly, here we have given a very important clue. A dying man, an expatriate from Kashmir, asks the author to write something about him after he's gone. The following is the piece about that very promise. एक मरता हुआ आदमी एक्सपेट्रिएट कहते हैं बेटा जो अपने मुल्क से दूर हो, जिसको हम परदेसी कहते हैं ना, एक्सपेट्रिएट जो अपने मुल्क के बाहर हो. टाइटल का क्या माना है देखो बेटा, टाइटल है द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड. द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ओनली वर्ल्ड. प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें आप, पहले गार्ड आप जानते हैं ये एक हिंदी लफ्ज़ है, एक हिंदी वर्ड है, जानते हैं ना. गार्ड का मुराद होता है रिवर बैंक. रिवर बैंक जहाँ से शिप्स दूसरे इलाके जाती है या लोग कपड़े धोते हैं, वट एवर यू से. ओके, वेन एवर यहाँ मुराद है वो रिवर बैंक जहाँ से कश्तियाँ जो है ना, शिप्स जो है ना, सेल ऑफ करती है दूसरी जगह जाने के लिए. अंडरस्टैंड? तो गार्ड हो गया वो किनारा जहाँ से कश्तियाँ दूसरी जगह की तरफ सफ़र करती हैं. समझ में आ गया? ओके. दूसरा है ओनली वर्ल्ड. ओनली वर्ल्ड से मुराद है कि अकेली दुनिया से मुराद है यहाँ हमारी लाइफ, हमारी अपनी लाइफ, हमारी अपनी लाइफ, एक इंसान की ज़िंदगी, जो ये जो हमारी प्रेजेंट दुनिया है ना, उस ज़िंदगी में हमारी अपनी लाइफ. द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड से मुराद हो गया हमारी अपनी ज़िंदगी, अकेली ज़िंदगी है ना हमारी, इसी ज़िंदगी का आखिरी किनारा है. यानी वो वक़्त इंसान की ज़िंदगी का, वो वक़्त जब वो मरने की कगार पर होता है, यानी उसको हम बोलते हैं बेटा हालत इंतज़ार, हालत इंतज़ार में होना. यानी मुराद ये है कि द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड से हम ये कहेंगे कि द टाइम ऑफ मैन्स लाइफ, द टाइम ऑफ वंस लाइफ वेयर ही इज़ अबाउट टू डाई, यानी वो मरने के लिए आमादा है या मरने के उस आखिरी वर्ज में पहुँचा हुआ है, उसे हम कहते हैं गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड. यहाँ होता क्या है, आगा शाहिद अली जो है कैंसर का मरीज़ है, दिमाग में उसको ट्यूमर हो चुका होता है, तो वो भी मरने की कगार पर होता है, यानी अगले कुछ लम्हों के बाद वो मरने वाला ही होता है. यानी कहने का मतलब अमिताव घोष जिस वक्त ये चीज़ लिख रहा है ना, तो ये उसके आखिरी दिनों में है. तो यहाँ गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड से मुराद आप अच्छे समझ गए होंगे अमित, ये आगा शाहिद अली की ज़िंदगी का आखिरी वक्त, ये यही मुराद है बेटा. ओके, तो आगा शाहिद अली कौन है? एक एक्सपेट्रिएट है कश्मीर से जो बाहर निकला हुआ अमेरिका में रहा करता है. तो अमिताव घोष से उसने कहा था कि मैं मरने के लिए आमादा हो चुका हूँ, मैं मर जाऊँगा, तो मेरे मरने के बाद मेरे बारे में ये सब लिखना वगैरह वगैरह. ओके, द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001. यहाँ अमिताव घोष कहता है 25 अप्रैल 2001 को आगा शाहिद अली ने मुझे फ़ोन में कहा था, ओह सॉरी, मुझसे बात किया और कहा कि देखो मेरे दोस्त अमिताव, मैं मरने वाला हूँ, यानी अब मैं मर ही जाऊँगा, जो कि मुझे ख़तरनाक एक बीमारी है. ये आगा शाहिद अली ने किसको कहा? अमिताव घोष को कहा, अमरीका में. द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली. अमिताव घोष कहता है हमारी गुफ्तगू नॉर्मल चली या हम आम खाम गुफ्तगू करने लग गए. आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. मैंने अमिताव को फ़ोन करके बोला, अमिताव घोष कहता है मैंने आगा शाहिद को फ़ोन करके बोला, आगा शाहिद मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, हाँ आज हमें किसी दोस्त ने दावत दे दिया है, हम सब आपके घर आके आपके साथ जाएंगे वहाँ उसके घर. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, अमिताव घोष कहता है शाहिद बेचारा पिछले 14 महीनों से कैंसर का इलाज कर रहा था. शाहिद was still on his feet and perfectly loosed. शाहिद अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और बिल्कुल ही सादा था, अभी भी आसानी के साथ चल फिर सकता था. Except for occasional lapses of memory, लेकिन कभी कभार उसका दिमाग काम करना छोड़ देता था, यानी चूँकि उसको ब्रेन ट्यूमर था कैंसर का, तो बसा औकात उसका असर यूँ होता था कि उसका जहन थोड़ा कुंद बन जाता था, यानी चीज़ें याद नहीं रख पाता था या कुछ हरकत करता था अजीब वगरीब.
I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, oh dear, I can't see a thing. मुझे ठीक तरह से याद है कि एक दिन वो अपने निकाह की किताब को, यानी जहाँ आम निकाहनामा होता है, उस किताब को पकड़े हुए था, या हम दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक किताब पढ़ रहा था जिस किताब के साथ वो लगा हुआ था, या कोई किताब लिख रहा था या कोई किताब पढ़ रहा था, उसको भी हम कह सकते हैं। बहरहाल जो भी माना हो आप समझ जाएँ, तो वो जो किताब पढ़ रहा था, फ़िलहाल हम यूँ भी समझे, किताब जो कुछ पढ़ रहा था उस किताब को पकड़े हुए उसने कहने लगा, मुझसे कहा, अरे मेरे दोस्त मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। यानी वो कह रहा आका शाहिद ने अमितोव से कहा, मेरे दोस्त कोई किताब पकड़े हुए था अपने हाथ में, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। दे वॉज ए ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डस नॉट मीन दैट आई एम डाइंग। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद आका शाहिद ने कहा, लो अमितोव, मैं कुछ देखने को मैं कुछ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद कहने लगा, अरे मेरे दोस्त, उम्मीद है मुझे कि मैं शायद मैं मरने वाला नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि मैं मरूँगा। यानी आका शाहिद अपने आप को हौसला भी दे रहा था अंदर से। ओके, although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, के अभी तो कहता है, अगरचि मैं और शाहिद ने पिछले एक दो हफ्तों से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू किया, आई हैड नेवर बीन नेवर बिफोर हार्ड फ्रॉम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, लेकिन अगर शाहिद ने मेरे पास मौत से मुताल्लुक कभी भी जिक्र नहीं किया था, अगरचि हम दोनों बहुत बातें कर रहे थे। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पोंड, जब उसने मरने की बात की तो मैं हैरान और परेशान रह गया और मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं खुद हैरान था। His voice was completely at odds with the content of what he had just said, a light to point up jocularity. उसकी जो आवाज़ थी, यानी जिस अंदाज में वो बोल रहा था, उसमें सीरियसनेस बहुत था, यानी वहाँ जोक्यूलरिटी नहीं थी। जोक्यूलरिटी तो मुराद है जोक से रिलेटेड, मजाक, मजा, मजा। जोक्यूलरिटी का मतलब हो गया हंसी मजा, हंसी मजाक भी बोलते हैं, उसको मजाक भी बोलते हैं, याद रखो, मजाक भी है मजाक भी है। तो बहरहाल हंसी मजाक या हंसी मजाक वाली बातें बातों का पहलू नहीं था, यानी जिस अंदाज से वो मौत के बारे में जिक्र कर रहा था उसमें किसी भी एंगल से मजाक वाला पॉइंट नहीं था, यानी आगा शाहिद मौत से मुताल्लुक मजाक नहीं कर रहा था। ओके, आई मम्बल्ड समथिंग इनोकस, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट। मम्बल्ड का मतलब हो गया मम्बल करना, यानी मुंह से कहना, क्या कहना, इनोकस, इनोकस हो गया प्यारे बच्चों, इनोकस से मतलब होता है मासूमियत बरा, मासूमियत बरा, इनोकस यानी इनोसेंट, आपने सुना है ना मासूम, तो उसी से है ये लफ्ज़। यानी कहने का मतलब, मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ कही जो खाली थी हर चीज़ से, यानी जिसमें कोई मतलब वाली बात नहीं थी, मैंने जो कुछ कहा साफ दिल से कहा, यानी मासूमियत बरा कहा, साफ दिल से मैंने क्या कहा, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन, नहीं शाहिद तुम नहीं मरोगे, तुम तो ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ अमितो घोष कहता है, मैंने जो कुछ कहा वो दिल से कहा, मैंने उसका बात मन रखने के लिए या अपने आप को उसके सामने साफ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मासूमियत से कहा, यानी मैंने साफ साफ कहा कि नहीं शायद तुम नहीं मरोगे, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, उसने मेरी बातों को रोका, यानी बीच में मुझे बात करने नहीं दिया, और कहने लगा, इन ए ट्यून ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विज़िकल एंड डायरेक्ट, उसने मेरी, मैं अभी बात ही कर रहा था तो मेरी बात को काटा, काटने के बाद एक ऐसी आवाज से कहा जो अजीब भी थी और बिला वास्ता थी, डायरेक्ट थी। यानी वो जो कुछ कहना चाहता था वो डायरेक्ट कहना, वो अल्फाज के जुर्मुट में फंसाना नहीं चाहता था, साफ साफ मुझे कहने लगा, और उसका वहीं साफ साफ कहना मेरे लिए क्विज़िकल था, क्विज़िकल का मुराद है अजीब व गरीब था। दैट वॉज एस्टोन्ड फॉर मी बिकॉज ही वॉज सेइंग समथिंग डायरेक्टली, व्हाट ही सेड व्हेन इट हैपेंस आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी। वाह वाह वाह, उसने अमितो को से कहा, अमितो अगर मैं सचमुच में मर जाता हूँ ना, अगर मैं मरूंगा ना, तो मरने के बाद प्लीज़ अमितो तुम मेरे बारे में कुछ तो लिखना। यानी देखो ना, अमितो घोष को यही बात अजीब व गरीब लग रही थी कि उसने तो मौत के बारे में इतना डिसाइड कर लिया और कह रहा है अगर मैं मर जाऊंगा ना अमितो, अगर ये होता है यानी मैं मर जाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे बारे में कुछ लिखना। बस लास्ट
पढ़ते हैं बेटा, आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस एंड अलॉन्ग मूवमेंट पास बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग दैट पीपल ऑन सच ओकेजन शाहिद यू विल बी फाइन यू हैव टू डू बी स्ट्रॉन्ग। और जो ही उसने इतने यकीन के साथ कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरे बारे में कुछ लिखना, तो मैं तो हैरान और परेशान हो गया और उसी हैरानगी की वजह से मैं खामोश रहा और कुछ लम्हे गुजर गए, यूं ही गुजर गए और कुछ लम्हों के लिए गोया मैं मदहोश हो गया, मैं गोया बेहोश हो गया, मैं कुछ भी न कह सका और कुछ भी कर न सका। जो ही आगा शाहिद ने मौत की बात की और मौत के बाद मुझसे एक वादा लिया तो मुझे यकीन हो गया कि वो मरने वाला है, लिहाजा मैं इतना हैरान हो गया कि मैं कुछ भी न कर सका। थोड़ी देर के बाद जब भी जाहिर सी बात है कोई आपसे कोई आरजू करता है, गुजारिश करता है तो आप कहते हैं ना कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो अमितो ने भी कुछ लम्हे रुकने के बाद कहने लगा शाहिद तुम डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें सिर्फ मजबूत रहना होगा। उसने शाहिद को हौसला दिया, शाहिद तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।